Hello and welcome back to ETC with the Sethi family. I'm Rahul and I'm going to tell you today what are the places where you should not miss eating in Manali. So, हम लोग पहली जगह आ चुके हैं, which is Tibetan Phuntsuk Cafe. और यहाँ पे एक old uncle auntie हैं जो कि homemade Tibetan food बनाते हैं. So, we've just ordered something. Let's see how it is. So, अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो आप राइट साइड को यू टर्न लेते हैं तो आप वशिष्ठ को चढ़ते हैं ऊपर हिल के ऊपर. अगर आप वो नहीं चढ़ते तो आगे लेफ्ट साइड पे 20 मीटर्स के बाद पड़ता है टिबेटन फुत्सुक कैफे और ये एग्जैक्टली ग्यारो हाउस के ऑपोजिट है. This place is very famous amongst locals और आपको यहाँ पे बहुत सारे locals बैठे हुए मिलेंगे और आंटी अंकल जो हैं वो खाना इतने प्यार से बनाते हैं और उनका जो USP है वो अपने खाने में अजीनोमोटो का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं. तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो do not miss eating at Tibetan Phuntsuk Cafe. This is by far the best thukka I've ever had. The fresh veggies, mutton. इट इज़ सो नाइस, इतना फ्लेवरफुल है. और अभी मैं लोकल से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये लोग अजीनोमोटो यूज़ नहीं करते हैं किसी भी खाने में. सो दैट इज़ वाई पीपल फ्रॉम यू नो लोकल मनाली ऑल्सो कम हेयर टू ईट बिकॉज वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सिटी में जब मेन सिटी में होते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा अजीनोमोटो का स्वाद है. बट दिस वन हैज़ प्योर इन्ग्रीडियंट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड घर में बनाते हैं तो दैट इज़ वाई दे ऑल कम हेयर एंड हैव इट एंड दे आर राइट, द फ्लेवर्स आर एक्सेलेंट. Another thing which is very special and unique about this place is that they do not have the menu card and they are serving only four things which are thukpa, chow mein, roasties and momos. So, main yahan pe kha rahi hu chicken momos aur momos bahut hi amazing hain. Aate ke bane hue momos hain aur agar aap aa rahe hain to yahan pe aake zarur try kariye. चलो अब आपको दूसरी डिश बताते हैं जो कि है लाफिंग. और अगर आप ये खा लोगे ना तो आप हर जगह का लाफिंग भूल जाओगे. तो मनाली में अगर लोकल खाना खाना है तो आपको ऐसी सी स्ट्रीट्स में आना पड़ेगा और आज हम आपको ऐसी एक स्ट्रीट में लेके आ चुके हैं जहाँ पर एक बहुत ही फेमस डिश मिलती है जो कि है लाफिंग. तो आइए दिखाते हैं आपको. मनाली मॉल रोड के साथ पड़ती है टिबेटन मॉनेस्ट्री और मॉनेस्ट्री की बैक साइड पे आपको ये लाफिंग की शॉप मिलेगी. तो आप वहाँ पे आ रहे हैं तो ज़रूर ये लाफिंग ट्राई करिएगा. It's nice, it's different. It's really very nice. इन्होंने जो फिलिंग डाल रखी है वो बहुत ही अच्छी है और इन्होंने अभी हमारे हिसाब से चिल्ली डाली है. इनके अगर यहाँ से डालते हैं तो ये चिल्ली बहुत ज़्यादा डालते हैं बट आप आके बता सकते हैं कि आप चिल्ली कम खाते हैं. मेरे बहुत ही टेस्टी है. सो बींग अ चाय लवर मेरे लिए ये फूड व्लॉग अधूरा था एक अच्छी सी चाय के बिना. सो जब आप मॉल रोड पे हैं ऑन द लोअर एंड ऑफ द मॉल रोड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी हडिम्बा ऑटो रिक्शा यूनियन का ऑफिस और उसके सामने ही बैठते हैं ये चाय वाले भैया जो कि बहुत ही अच्छी सी चाय बनाते हैं. तो अगर आप वहाँ हैं तो ये चाय ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपकी पूरी की पूरी थकान उतार देगी. सो आपको मनाली मॉल रोड पे ये छोटे छोटे से गुलाब जामुन बहुत देखने को मिलेंगे और हमने ये दो तीन जगह के ट्राई भी किए लेकिन हमें जो सबसे बेस्ट लगे वो खाइबर फैमिली रेस्टोरेंट के नीचे ये दीदी बैठती हैं जो कि बहुत ही ऑसम गुलाब जामुन देती हैं. तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव देम. सो अगर आपको इंडियन चाइनीज़ टाइप खाने की क्रेविंग होती है तो आप ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो. ये है बिल्कुल टिबेटन मार्केट के अंदर. यू कैन आस्क एनी लोकल, दे विल टेल यू. चाइनीज़ फास्ट फूड कॉर्नर बाय राजू लामा. इंडो चाइनीज़ लाइन होता ना जो लोकल चाइनीज होता है इंडो चाइनीज, इंडो चाइनीज का वैसा वाला टेस्ट है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है. एंड आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग. सो वी कॉल्ड फॉर हाफ सिंस वी मेकिंग अ फूड ब्लॉग. तो हम लोगों ने हाफ पोर्शन मंगाया था और हमने उससे तीन बार पूछा है कि ये हाफ है भैया, ये हाफ है भैया. सो आई थिंक दिस इज देयर USP बिकॉज द पोर्शन इज टू बिग यार. मतलब मुझे ये पोर्शन बहुत ही बड़ा लग रहा है एंड खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट है. तो आइए खाते हैं. और जो दूसरी डिश हमने ऑर्डर की है वो है चिकन फ्राइड राइस एंड आई कांट वेट टू ईट दिस.
रॉकीज कैफे। सो रॉकीज पड़ता है ओल्ड मनाली के अंदर, और जब आप मनु टेंपल की तरफ जा रहे हैं या ओल्ड मनाली की स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं तो जो लास्ट रेस्टोरेंट ओल्ड मनाली का है वो है रॉकीज कैफ़े। इधर से बहुत ही अच्छे वैली के व्यूज़ हैं और बहुत ही अच्छा सनसेट पॉइंट है। सो इन केस यू आर इन ओल्ड मनाली यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस रॉकीज कैफ़े। लोगों का कहना था कि रॉकीज़ में खाना ठीक ठीक ही है, बट वी ट्राइड दी फलाफल प्लेटर एंड इट वॉज रियली गुड, सो इट इज़ अ मस्ट ट्राई इन केस यू गोइंग देयर। सो ओल्ड मनाली की बात करें तो आपको काफ़ी लोग कैफ़े लेजी डॉग के लिए भी रेकमेंड करेंगे, दो वी ट्राइड द फूड देयर, द एम्बियंस इज़ नाइस, इट इज़ बाय द रिवर साइड, इट्स अ लवली रेस्टोरेंट इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट गो एंड चिल, बट अगर खाने की बात करें तो हमें इतना अच्छा नहीं लगा था खाना, तो दैट इज़ बाय वी आर नॉट कवरिंग इट इन आर फूड ब्लॉग। ये है पीछे मोमो स्टेशन, दिल्ली टाइप मोमो चाहिए तो ये है वो जगह जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स सी किसका मोमोज कैसे हैं। सो अपर मॉल रोड से जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको ये मोमो स्टेशन दिखेगा, और इसके मोमोज बहुत ही अच्छे थे, आगे देखो आप हमें कितने अच्छे लगे ये मोमोज। दैट्स देयर शॉप, ऊपर है द टैटू स्टूडियो, टू स्पिति टैटू स्टूडियो, और यहाँ पे ये भाई बाहर लगा के बना रहे हैं। देखते कैसा है। हाँ जी अमेजिंग है ना। हाँ बहुत स्वाद मोमो है भाई। हमने ना हाफ प्लेट लिया था लेकिन हमें अच्छी इतनी लगी कि हमने फुल करा दिया उसको। अमेजिंग, we'll just taste it and let you know कि कैसा यार कैरो हाउस में खाना, और मैं तो बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ अभी खाने के लिए। कैरो हाउस से हम आपको इसलिए रिव्यू नहीं दे पाए थे क्योंकि लाइट वेंट ऑफ एंड वी हैड टू कम बैक आफ्टर ईटिंग द फूड। इट इज़ अ रियली नाइस प्लेस विच सर्व्स गुड टिबेटन फूड। वी हैड आलू फिंगशा विद टिम्मो एंड मटन मोमोज खाए हमने एंड द टेस्ट वॉज एक्सेलेंट। The best part about Kyaro House is that, you know, their quantity is really nice, and if you're a family of four or two going there, you will definitely enjoy having good portions of Tibetan food at a very reasonable price. So thank you so much. I hope जो जो हमने जगहें बताई हैं आप definitely try करोगे जब भी आप मनाली जाते हैं, और ये सारी हमारी personal choices थी, हमारे personal taste के according था, and this is what we liked. So thank you so much. Keep watching the videos on ETC with the Sethi family. हमारा दूसरा channel है the Sethi family, please follow that as well. Keep subscribing, keep watching and keep sharing the videos. Goodbye for now. Thank you.